तो गाइस आज मैं रिक्शे की सवारी कर रहा हूँ, वो अभी ई रिक्शे की, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ऑटो टाइम में बैठे हुए हैं। और आज मैं ई रिक्शे में बैठ के हेडोट्रांस की तरफ जा रहा हूँ, और थोड़ा सिटी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का जो स्मार्ट सिटी है छोटा हमें। दोस्तों ये है अग्रसेन चौराया और सी वी गार्डन वगैरह भी यहाँ पर नज़दीक पड़ता है। तो गाइस ये है सी वी गार्डन का मार्केट, यहाँ पर जो टी शर्ट पजामा वगैरह है ये मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें लगी हुई है, और जो जो भी ट्रेन है दोस्तों यहाँ पर चलती है। दोनों साइड पे आपको यहाँ पर ये कपड़े की शॉप मिल जाएगी। आप अगर आते हैं कोटा में तो यहाँ से आप सस्ते रेट में आराम से टी शर्ट पजामा ले सकते हैं। आप लोग अभी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, गर्ल्स की भी है यहाँ पर, कैप हैं और स्टाफ मतलब वगैरह भी यहाँ पर है। शॉप लगी हुई है, चटाई है, गर्मी की आप मजे ले सकते हैं आराम से यहाँ आके। और इधर एक सी वी गार्डन है, तो लोग यहाँ पर आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल खुली हवा में पेड़ पौधे काफ़ी सारे लगे हुए हैं यहाँ पर इस गार्डन में। और कोटा का ट्रैफिक तो आप देख ही सकते हैं किस कदर चल रहा है। अभी धूप है तो दिन में कमी ट्रैफिक रहता है। और छतरियाँ वगैरह ये यहाँ पर देखिए पुरानी बनी हुई है। और अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल किशोर सागर तालाब की पाल के नज़दीक। तो अभी हम चलेंगे सीधे सब्जी मंडी होते हुए। काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पर ई रिक्शा में बैठा हूँ, और ई रिक्शा में बैठने का आनंद मैं यहाँ पर अभी ले रहा हूँ। ये दोस्तों लक्की बुर्ज यहाँ पर भी देखने के लायक जगह है। देखिए सामने आप सरोवर की पार्किंग, जयपुर पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप सब्जी मंडी वगैरह आते हैं मार्केट में कोई शॉपिंग वगैरह करने, तो यहाँ पर आप अपनी बाइक वगैरह फोर व्हीलर वगैरह पार्क कर सकते हैं। बहुत बड़ी पार्किंग है ये सरोवर की। और ये बिल्डिंग देखिए आप यहाँ पर बनी हुई है। इधर आ जाता है जग मंदिर किशोर सागर तालाब का, और सामने सेवन वंडर भी है, तो उसका व्लॉग भी मैं आपको जल्द दिखाऊँगा। दोस्तों एक पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सरोवर पार्किंग वो जयपुर गोल्डन की पार्किंग थी, और जाली बल्ले वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी यहाँ पर है। ये सामने देख सकते हैं आप गीता भवन यहाँ पर स्थित है। अभी मैं चलते चलते आपको थोड़ा सिटी का व्यू दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस जगह पर क्या है। और इधर आ जाता है दोस्तों न्यू क्लोथ मार्केट, सब्जी मंडी वाला एरिया। अभी हम ऑटो से चल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो बसें लग रही है वो केशवरायपाटन जाने वाली है। और सामने सब्जी मंडी भी आप निकल सकते हैं, ये सामने न्यू क्लोथ मार्केट है पूरा। तो दोस्तों यहाँ पर ई रिक्शे की सवारी करके मज़ा आ रहा है, और बहुत दिनों बाद मैंने ई रिक्शे की सवारी की है। जब भी आप सिटी में आए तो एक बार ई रिक्शे की सवारी जरूर करें। ये देखिए यहाँ पर न्यू क्लोथ मार्केट बना हुआ है, तो सिटी के लोग यहाँ पर आते हैं, कपड़े वगैरह की शॉपिंग करते हैं जब कहीं वेडिंग्स वगैरह का प्रोग्राम होता है, और भी बहुत सी फंक्शन पे शॉपिंग करने यहाँ पर लोग आते हैं। और सामने आ जाता है कुमानपुरा का फ्लाईओवर, और ये सामने आप जो रास्ता देख रहे हैं ये सेवन वंडर की तरफ भी निकल जाता है। तो अभी हम सेवन वंडर वाले रास्ते से चल रहे हैं, और ये सामने फ्लाईओवर आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इधर से जग मंदिर आराम से आप देख सकते हैं, और यहीं से शुरू हो जाता है सेवन वंडर का व्यू। ये देखिए आप यहाँ पर इधर कॉफ़ी शॉप वगैरह है, डाइनिंग वगैरह यहाँ पर बनाई हुई है, और सात अजूबे जो देश के हैं पूरे यहाँ पर स्थित हैं। शाम को काफ़ी अच्छी रोशनी यहाँ पर रहती है। ये पूरी बाउंड्री है सेवन वंडर। बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म बनी थी, तो उसकी शूटिंग भी यहाँ पर सेवन वंडर्स में हुई थी। तो मज़ा आ गया दोस्तों आज ई रिक्शे की सवारी करके। अभी हम एरोड्राम की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि मुझे एरोड्राम पे जाना है, मैं बैठा था नया पूरा। सामने आप स्टेचू देख रहे हैं दोस्तों, उसी के पास में शूटिंग हुई थी। मेन गेट है दोस्तों यहाँ पर सेवन वंडर जाने का, और यहाँ पर पार्किंग भी है, और सामने नागिन मंदिर का फ्लाईओवर आ जाता है, और ये आगे यहाँ पर कोटड़ी चौराया